हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम बैठे हैं, थोड़ी सी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे हैं क्योंकि हमारी बस बहुत लेट थी, 12:30 पे थी। तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये बस स्टैंड के पास ही है पेट पूजा रेस्टोरेंट नाम है इसका। और अब हम बिना समय गवाए पहुँच गए तारा देवी मंदिर के पास। और यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो, छोटा सा ढाबा है। और अब हम तारा देवी मंदिर की ओर चलते हैं। ये देखो चोटी पर मंदिर दिखाई दे रहा है और ये घना घना जंगल, जंगलों की रानी है तारा माता। और ये हम पहुंच गए मंदिर। और ये सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया, 250 साल पुराना मंदिर है ये। और ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हो। ये पेड़ मुझे बताना कि किस किस ने इधर बांध के विशेष रखी है। हमने प्रसाद भी ले लिया था वैसे। ये देखो पेड़, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि इतने टाइम बाद मंदिर खुला तो चेकिंग हो रही थी, मतलब सैनिटाइज हो रहे थे, सैनिटाइज बोल रहे थे एंड करने के लिए। और हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, फ़ोन नंबर वगैरह ले रहे थे हमारा। और यहाँ पर छोटा सा बगीचा है ये मंदिर के सामने नीचे की ओर। कितनी खूबसूरत पहाड़ी है, बस भी लगी है हमारे नीचे। तो अभी हम पहुंच गए हैं तारा देवी मंदिर और मैं आपको आज यहाँ का ब्लॉग बताऊंगी। ये शिमला से 15 किलोमीटर दूर है और जितनी जाखू की ऊंचाई है उतनी ही तारा देवी मंदिर की ऊंचाई है, ऐसा बोलते हैं। बाकी मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और स्किप मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर हमने शूज़ वगैरह खोले और उसके बाद हम ऊपर मंदिर की ओर चल पड़े। यहाँ भंडारा भी होता है पर आजकल कोविड था इसलिए नहीं होता। तो चले मेरे साथ, लेट्स गो। अभी हमने पाँव पोंछ धो लिए, हाथ भी धो दिए हैं और सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय करें। तो यहीं से ही मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर की ओर। यहाँ पर लिखा गया है चमड़े के जूते नहीं ले जाने। चमड़े के जूते तो वैसे भी ले जाते पर चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं ले जानी होती यहाँ की ओर। अरे शिमला दिखाई दे रहा है पार। अरे छोटी सी अच्छे सी लग रहा था मुझे इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। और ये मंदिर दिखाई दे रहा है, देखो कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और चक्के लगाए गए हैं ऊपर। आप देख सकते हो त्रिशूल भी ऊपर लगाया हुआ। और ये जो साथ में लगाई हुई ना टीर में, इतनी इस तरीके से वाइब्रेट हो रही थी ना, क्लिक क्लिक करके आवाज़ आ रही थी जब हवा लगी हुई थी। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया था कि मंदिर के अंदर फोन नहीं ले जा सकते, मतलब फोन तो ले जा सकते बट कोई भी आप कैप्चर नहीं कर सकते, फोटो वगैरह नहीं क्लिक कर सकते। इसलिए मैंने मंदिर के अंदर की कोई भी फोटो क्लिक नहीं की है क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर इतना अच्छा वुडन वर्क है, आप इसकी छत को देखना एक बार। ये देखो, और ये इतने अच्छे तरीके से हिल रहे थे ऊपर। और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये नक्काशी की गई है। मैक्सिमम मंदिर आपको शिमला के, हिमाचल की लकड़ियों के ही बने हुए मिलेंगे। और ये मेन द्वार है, यहाँ पर लिखा गया है फोटो लेना मना है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये देखो थोड़ा सा, मतलब मेरी पिक्सल ऐसा ही है तो आप देख सकते हो। जय माता दी। सब लोग दर्शन कर रहे हैं और उचित दूरी बना के रखी हुई सबने। और ये माता की मूर्ति पश्चिम बंगाल से आई गई है, मतलब लाई गई है यहाँ पर। और बहुत ऊंचाई पर है ये मंदिर, जितना मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ मैं आपको उतने अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। बस अब हम माता के दर्शन कर लेते हैं।
अंदर नहीं ले लूंगी मैं कोई भी फोटो, मैं बाहर से दिखा रही हूँ आपको। और ये चारों ओर इतने अच्छे शीशे लगे हैं और लकड़ी का वर्क हुआ है, और जो भी मतलब टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, मुझे इतना पता है। अभी ही आज ही मंदिर खुला और आज यहाँ इतना रश था, इतने लोग आए हुए थे दूर दूर से। ये देखो, मतलब तो मुझे तो टच करके भी इतना अच्छा लग रहा था ना, इतने खूबसूरत तरीके से। हैट्स ऑफ जिसने भी ये नक्काशी की है। अरे चारों ओर मैंने दिखा दिया आपको, मंदिर कुछ ऐसा है। ये देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको जितना बता सकती थी मैंने उतना पूरा बताया। यहाँ पर भी मंदिर है छोटा सा, इसको प्रणाम किया हमने इनको, और उसके बाद यहाँ पर इतनी हवा लगी हुई थी और इतनी धूप थी नीचे, ये जो टाइल्स है ये बहुत गर्म हो गई थी, हम कैसे चल रहे थे वो तो हम ही जान सकते हैं। और ये देखो कितनी ऊंचाई है, कितने टॉप पे हैं हम। देखिए ऊपर से नीचे की ओर कैसे दिखाई देता है, और पूरा मंदिर कुछ इस तरीके का है। बहुत खूबसूरत, मतलब ये एक एक चीज यहाँ पर, और ये माता का पूरा आशीर्वाद है यहाँ पर। यहाँ की पूरी मतलब जितने भी लोग हैं, आप इनकी कहानी पढ़ सकते हो, लोगों ने इनकी कहानी भी बताई गई है। अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर, तो आप मेरे साथ ऐसे ही चलते रहें। हम जा रहे हैं, तो वो चलते रहो मेरे साथ, अभी हम सेकंड मंदिर जा रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगी। मुझे एक चीज़ और बताना, मुझे ये बताना कि जो जो तारा माता के मंदिर आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। और ये ऊंचाई, बहुत ऊंचाई है इसकी, और ये 15 किलोमीटर दूर है जो मैंने बता दिया है आपको, और आप सिर्फ ब्लॉग को इंजॉय करें, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा शायद ब्लॉग, इतना मुझे पता है। तो यहाँ नीचे ना कुश्ती होती है जब मेला होता है यहाँ पर, यहाँ नीचे कुश्ती होती है यहाँ पर, मैंने देखी है क्योंकि, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर बैठे हुए, अब तो कहाँ होते हैं मेले पता ही आपको कोरोना की वजह से। आई होप कि नेक्स्ट ईयर वो मेला सब कुछ ठीक हो जाए। इतनी गर्मी है ना, नीचे से आग निकल रही है ना, फिर भी मैं ब्लॉग बनाने आ रही हूँ। तो अब हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर। सबसे पहले यहाँ पर हैंड वॉश करेंगे हम और जूते खोलेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर घंटियों को बांधा गया है, और ये यहाँ तो ले सकते हैं फोटो। यहाँ आप देख सकते हो माता का मंदिर बनाया गया है, और यहाँ शिव जी भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा लिखा था कृपया कोई भी मूर्ति को टच मत करें आप। अब आप ना यहाँ की हाइट देखना और उस हवा को फील करना, कितनी अच्छी हवा लगी है यहाँ पर।
लगी है यहाँ पर। अरे कितनी ऊंचाई में, ओह माय गॉड। अब यहाँ से ना सिर्फ एंजॉय करो। ओह माय गॉड, सोलन दिखाई दे रहा है शायद, है ना? हाँ, इस वाले मंदिर तो जरूर है। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर इतने क्यूट क्यूट डॉग्स थे जो मेरे पास आए कि हमें कुछ देगी है, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं इनके लिए। और अब मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर की पीछे की ओर। वहाँ पर इतना अच्छा जुब्बड़ जैसा है बैठने के लिए, हमारे जुब्बड़ बोलते हैं। तारा देवी के घने घने जंगल। और ये रास्ता बनाया गया है वहां की ओर जाने के लिए, यहाँ से पैदल भी आते हैं लोग। और आप यहाँ पर जाके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, हवा को फील कर सकते हो। जिसको थोड़ा सा पीसफुल एरिया पसंद है वो यहाँ पर आ सकता है। और ये हम पहुंच गए। यहाँ से पूरा शिमला, मतलब संजौली से लेकर आपको कुछ भी देखना, मॉल देखना, सब कुछ दिखाई देता है आपको यहाँ से। और ये मतलब जैसे गांव में होता है ना जुब्बड़, वैसा ही है ये बिल्कुल। यहाँ सिर्फ पशु थे जो चल रहे थे, बाकी कोई नहीं था यहाँ पर। ये बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर है। आप यहाँ पर जब आओगे मंदिर, कभी आप आओगे तो यहाँ पर आप लंच कर सकते हो अगर आपको पिकनिक मनानी है। और इतना खूबसूरत था ना ये, मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का। और इतनी अच्छी हवा लगी थी यहाँ पर। और ये देखो मंदिर दिखाई दे रहा है बिल्कुल, हम कितनी दूर आ गए हैं मंदिर से। ये आप छोटी सी झलक देखो, जंगल के बीच में ऊंचाई पर है मंदिर। यहाँ बैठे हम थोड़ी सी देर, उसके बाद हम चल दिए यहाँ से। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ऐसा बोलते हैं ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं और एक और जगह पाए जाते हैं। ये शिव जी भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर। और अब हम यहाँ से चल दिए सड़क की ओर। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें। देख लो मैं इतनी दूर पहुँच गई और मेरे पाँव में मोच आई है, पर फिर भी मैं आपके लिए इतनी दूर आ गई। तो इतना सा ही वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं, ये नहीं देखा देखा और चल पड़े, नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ठीक है, कल मैं फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तो ठीक है, बाय बाय।